लॉकडाउन के दौरान स्कूल फीस, हाउस टैक्स, बिजली के बिल माफ करने के लिए शिवसेना द्वारा जिला मुख्यालय पर किया गया प्रदर्शन। शिवसेना का जिला प्रमुख डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा के नेतृत्व में शिव सैनिकों ने जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर जोरदार नारेबाजी के बीच लॉकडाउन के दौरान बंद रहे कारोबार के चलते स्कूल फीस माफी एवं हाउस टैक्स बिजली बिल को माफ करने के लिए प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि लॉकडाउन के चलते काम पूरी तरह से बंद हो चुका है, आम आदमी रोजी रोटी को लेकर काफी परेशान है, ऊपर से उसके ऊपर स्कूल की फीस, हाउस टैक्स और अन्य बिलों के बोझ से पूरी आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी है। इसलिए इस ज्ञापन के माध्यम से शिवसेना प्रदेश सरकार से मांग करती है कि 3 महीनों की स्कूलों की फीस, बिजली का बिल, हाउस टैक्स आदि बिलों को सरकार माफ कर दे ताकि आम आदमी को थोड़ी राहत मिल सके। ज्ञापन देने वालों में मुख्य रूप से मंजू राठौर, राम अवतार, अंकित ठाकुर, ओम प्रकाश सैनी, प्रमोद सागर, बिमल सागर, राहुल सागर, नीतू कश्यप आदि लोग मौजूद थे। डॉक्टर रामेश्वर दयाल तुरेहा, जिला प्रमुख, शिवसेना मुरादाबाद। तुरेहा जी, किस तरह का प्रदर्शन आज किया जा रहा है? आज शिव सैनिक जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित ज्ञापन में लॉकडाउन एवं कोरोना काल में महामई, जून, जुलाई आदि की स्कूल फीस माफ करने की मांग करते हैं और महा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई का वाटर टैक्स, हाउस टैक्स एवं बिजली का बिल आदि माफ करने की मांग करते हैं। ये बिजली का बिल, ये तो काफ़ी समय से ये मांग की जा रही है, तो अभी तक इसमें कुछ कार्रवाई सरकार द्वारा नहीं की गई है? हमने पहले भी कई बार मांग उठाई है और आज हम फिर आए हैं। अगर मांग हमारी पूरी नहीं की गई तो भविष्य में हम अनिश्चितकालीन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे।